बिहार के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बिहार में पटना एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट और गया एयरपोर्ट के बाद अब चौथा एयरपोर्ट भी जल्द मिलने जा रहा है। इसके साथ ही लोगों का लंबा इंतजार भी अब खत्म होने वाला है, क्योंकि लोग कई दिनों से और कई महीनों से इस एयरपोर्ट की मांग करते नजर आ रहे थे। बहरहाल जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अब एक और इलाका हवाई नेटवर्क से जुड़ जाने वाला है। देश के हवाई नेटवर्क से बिहार के सीमांचल को जोड़ने का रास्ता इसी के साथ साफ हो गया है। इसके लिए पूर्णिया में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण होने वाला है। पूर्णिया में नागरिक विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। पटना, गया और दरभंगा के बाद अब पूर्णिया से भी यात्री विमान के जरिए दूसरे शहर जा सकेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद ही इस बात की जानकारी भी दे दी है। उड़ान योजना के तहत पूर्णिया एयरपोर्ट को भी दरभंगा एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाना है। यहाँ भी पहले से एयरफोर्स स्टेशन और शानदार रनवे की सुविधा है। सिविल एनक्लेव के निर्माण के साथ रनवे की जरूरत के अनुसार रीकारपेंटिंग की जाएगी। उधर दरभंगा में सिविल एनक्लेव के लिए बिहार सरकार और AAI के बीच समझौता हुआ है। AAI की कार्यपालक निदेशक चारुल पांडे सहित AAI और बिहार के वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में कई बातों पर सहमति बनी। दरभंगा एयरपोर्ट पर कम दृश्यता में भी विमानों की सुगम लैंडिंग के इंतजाम भी इसके साथ ही किए जाएंगे। इसके अलावा यदि बात करें तो पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण और दरभंगा एयरपोर्ट के विकास पर करीब 2000 करोड़ का खर्चा होगा। नए एयरपोर्ट के निर्माण से सीमांचल और उसके आसपास के लोगों को व्यापार और यातायात सहित अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही आपात स्थिति में एयर एम्बुलेंस और अन्य सेवाओं में भी इलाके के लोगों को राहत मिलने वाली है। पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण के लिए AAI और बिहार सरकार के बीच करार हुआ है, जिसके बाद अब इस बात को लेकर लोगों में खुशी देखी जा रही है कि अब उनको जल्द ही एक एयरपोर्ट की सौगात मिल जाएगी। क्योंकि बात अगर दरभंगा एयरपोर्ट की करें तो यहां पर सुविधाओं को बहाल किए जाने को लेकर भी राशि निर्गत की जाएगी। साथ ही पूर्णिया एयरपोर्ट पर विमान सेवा शुरू किए जाने को लेकर भी अब सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद लोगों का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। कई सालों से लोग इस एयरपोर्ट की डिमांड कर रहे थे। इस एयरपोर्ट की मांग को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों ने ऊपर तक इस बात को पहुंचाया है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लगातार और बार बार लोग इस बात को लेकर गुहार भी लगाते रहे थे कि पूर्णिया में एयरपोर्ट की सुविधा जल्द शुरू की जाए। चूंकि रनवे पहले से है, थोड़ा सा डेवलप और करना है और उसके बाद कई और काम को करने के बाद इस एयरपोर्ट का विकास हो जाएगा और यहां के लोग भी हवाई सेवा का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके साथ ही सीमांचल को हवाई नेटवर्क से जोड़ने पर भी काफी सारे काम करने हैं और ये तय माना जा रहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट के रूप में एक और सौगात बिहार को मिलने जा रहा है। और इसके साथ ही बिहार में 4 एयरपोर्ट हो जाएंगे और इसके साथ ही बिहार में एयरपोर्ट की संख्या 4 हो जानी है। पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण कब तक हो जाता है और कब तक इसका कायाकल्प होता है, ये फिलहाल इंतजार का विषय है। लेकिन ये एक बात तो तय है कि अब ये काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि कई बातों पर अब सरकार और AAI के बीच सहमति बन चुकी है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।